एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइस. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग टू एवरीवन. प्लीज कंफर्म दैट आई एम ऑडिबल प्रॉपरली टू ऑल ऑफ यू. सो 5th of Feb के आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के. लाइव होती है ये क्लास रेगुलरली 5 PM. ये क्लास बिल्कुल रेगुलर हो रही है. प्लीज कंफर्म दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली टू ऑल ऑफ यू. इस क्लास के अंदर आप इकोलॉजी और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस दोनों को इंक्लूड करते हो. जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ देर पहले आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे, कुछ टॉपिक्स भेजे. अब एक नया इनिशिएटिव हम लॉन्च कर रहे हैं कि मैं आपको लाइक 2-3 घंटे पहले कुछ टॉपिक्स भेज दूंगी इस क्लास के, 5 PM वाली क्लास के. सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट. आप लोग उसे प्रिपेयर करिए एंड देन आंसर करने की कोशिश कीजिए. फाइन. सब टॉपिक्स जो रहेंगे वो न्यूज के रहेंगे या फिर स्टैटिक पोर्शन के रहेंगे. हाय ऋतुराज. न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 8th of February से 21-203 एक्सपीरियंस के लिए. सो यू मस्ट एनरोल इन दैट. खास बात यह है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी. बायलिंगुअल भी होंगे ये. प्री और मेंस का सिलेबस कवर कराते हुए प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड जो है वो करी जाएगी. ओके. इन सबके लिए आप स्टडी आईएस का कोड यूज कर सकते हैं. सो यू विल गेट 10% ऑफ. तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए इफ यू वांट. एंड अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है जिसके अंदर आप अमेजिंग प्राइसेज जो है वो जीत सकते हो. 7 February को होने वाला है सुबह 11 बजे. सो यू मस्ट एनरोल. और एनरोल के लिए कोड यूज कीजिएगा स्टडी आईएस. तो आज की क्लास में हम ये सब टॉपिक्स करेंगे. हाय ऋतुराज, आपने टॉपिक्स को चेकआउट किया? Did you check the topics? Hi Ram Kumar, good evening. चलिए तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्कॉर्पियन फिश की. इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करेंगे. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट 6 mass extinction क्या है? EPI इंडेक्स क्या आया? सुंदरबन डैमेज हुए थे एम्फान के साइक्लोन की वजह से, तो उससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस न्यूज से? माइक्रोप्लास्टिक, पोलियो और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये सारे आज का टॉपिक है. इन सबको हम सॉल्व करेंगे. राइट. आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट. ये तरीका आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्टअप करेगा. आप लोग पहले प्रिपेयर कर लो एंड देन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो. ओके. चलिए सो पहला क्वेश्चन है. रिसेंटली रिसर्चर्स एट सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंड ए रेयर स्कॉर्पियन फिश. उनको एक स्कॉर्पियन फिश जो है वो पाई गई है. इस इंस्टीट्यूट ने खोज की थी तो उनको स्कॉर्पियन फिश पाई गई. तो आप स्टेटमेंट को हिसाब से बताइए. दे फाउंड इट फ्रॉम द सेतु कराई कोस्ट इन द साउथ चाइना सी. क्या उनको ये फिश जो मिली है वो सेतु कराई कोस्ट से मिली है जो कि आपके साउथ चाइना सी में है? दूसरा कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्टिकुलर कोई स्पीसीज पे डिस्कवरी की गई हो जो कि अलाइव है इंडियन वाटर के अंदर? करेक्ट कोड बताइए. 1 only 2 only बोथ या फिर नन. हिंदी में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है क्योंकि जिस तरीके से आपकी डिमांड थी कि हिंदी में चाहिए क्वेश्चंस, तो हिंदी में भी हम क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल हैं. राइट. नाउ प्लीज आंसर की सही स्टेटमेंट क्या होगी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग गाइस. बताइए स्कॉर्पियन फिश के बारे में क्या चीज सही रहेगी. ओके. चिराग ने कहा कि बी इज द राइट आंसर. फाइन. ओके. अनदरवन, ऋतुराज योर आंसर. रामकुमार, गाइस प्लीज आंसर. शिवान्य, क्या बात है, बहुत ही अच्छी. गुड इवनिंग गाइस. गुड इवनिंग. दैट इज फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार. बिल्कुल सही. गल्फ ऑफ मन्नार में इसको पाया गया है. उन्होंने जो इसकी रिसर्च की थी वो गल्फ ऑफ मन्नार से हुई थी, सेतु कराई से. आप इसको तब भी कनेक्ट कर सकते हो कि सेतु तो सेतु पुल कहाँ है, मीन्स लाइक गल्फ ऑफ मन्नार में ही तो ब्रिज है ना वो.
तो वहीं से ही इसकी जो है फाउंड किया गया था, साउथ चाइना सी नहीं है, तो अपना जो गल्फ ऑफ मन्नार है उस वाले रीजन से इसकी ये मिली थी, तो दैट्स व्हाई ये गलत हो जाएगी। और पहली बार ऐसा है कि कोई जीवित जीवित स्पीसीज पर डिस्कवरी हो रही है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने पाया, जो कि सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है CMFRI ने, उन्होंने पाया स्कॉर्पियोसिस नेग्लेक्टा, इसका साइंटिफिक नेम है, एंड सेतु कराए जो कोस्ट है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर, वहां से इस पे रिसर्च की गई। फाइन, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन वाटर के अंदर किसी जीवित पशु पर पक्ष सॉरी स्पीसीज पर खोज की गई हो। इट हैज बीन डिपॉजिट इन द नेशन मरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम ऑफ द CMFRI। ये जो इंस्टीट्यूट है इसके म्यूजियम में इसके डिपॉजिट बाद में करवा दिया गया, राइट? तो हाँ शिवानी, आपने क्वेश्चन को टॉपिक को पढ़ा? यस विश्वजीत, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फीचर्स ऑफ द स्कॉर्पियन फिश। आपको स्कॉर्पियन फिश के बारे में चेकआउट करना है, उसके फीचर्स के बारे में। ओके, दिस बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश यूज इट्स लेटरल सेंसरी सिस्टम इंस्टेड ऑफ आइज टू हंट इट प्रे। कि क्या ये अपने सेंसरी सेंसर जो सिस्टम होता है, जैसे सेंस नर्व्स होती हैं, उस सिस्टम के हिसाब से ये अपने प्रे को ढूंढती है बजाय कि अपनी आइज से, ठीक है? दूसरा कहता है कि फिश हैज एबिलिटी टू चेंज कलर एंड कैमोफ्लेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर एंड वाइल कैचिंग अ प्रे। ये कहता है कि क्या फिश के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपने कलर को चेंज कर सके जब भी इसको कोई प्रीडेटर हो, यानी कि इसको अटैक, इसको खतरा नजर आए तो ये अपने कलर को चेंज कर सकती है क्या, और जब इसको प्रे को पकड़ना हो तब ये कर सकती है क्या? सो इनकरेक्ट कोड बताइए, गलत स्टेटमेंट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन। हिंदी में आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। बताइए जरा क्या सही होगा। ओके, ऋतुराज ने कहा कि सी इज द राइट आंसर। नीतू कुमारी, गाइस आप लोग सब टेलीग्राम पे हो क्या? डी, यस डी इज द राइट आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट सही है, कि कोई भी इनमें से गलत नहीं है। फाइन, स्कॉर्पियन फिश की खासियत बात यही होती है, हाँ जी खासियत बात यही होती है कि ये अपने इसके सेंस की हेल्प हेल्प से ये प्रे को पकड़ लेती है, अपनी आईज की जरूरत नहीं होती, आईज इंस्टेड ऑफ आईज टू हंट इट्स प्रे, ठीक है? और जैसे ही इसको किसी प्रेडेटर से खतरा हो, यानी कि जो इसे खाएगा उससे खतरा हो, उसकी वजह से उस टाइम पे भी अपने कलर को चेंज कर लेती है, और जब इसे प्रे पकड़ना हो, इसका खाना हो, तब भी अपने कलर को ये चेंज कर लेती है। ये होती है स्कॉर्पियन फिश इस तरीके की, ठीक है? हाँ जी हो। ओके देन गाइज, मैं आपको बता दूं कि आज से एक इनिशिएटिव लिया गया है, आई विल सेंड यू सम टॉपिक्स जिसपे हम क्वेश्चंस करेंगे, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, वो टॉपिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। फाइन, सो फर्स्टली प्रिपेयर फ्रॉम दैट टॉपिक, प्रिपेयर करिए जहां से भी आपका सोर्स है, जो भी है आप वहां से करो, एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। उसे देखना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, उस चीज को आप समझ पाओगे। फाइन, सो अच्छे से प्रिपेयर करके डेली क्लास में लाइव होके आंसर किया कीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट। फिश हैज एबिलिटी टू चेंज द कलर, सेंसरी सिस्टम, इसके खुद के कुछ ऑर्गन्स है ताकि ये मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेती है, वाइब्रेशन को, प्रेशर ग्रेडियंट को इन द सराउंडिंग वाटर के अंदर, प्रेशर ग्रेडियंट और मूवमेंट जो भी हो रही है उसको ये डिटेक्ट कर लेती है। इसको स्कॉर्पियन फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो स्पाइन्स होते हैं उसके अंदर न्यूरोटेक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है। अब वो न्यूरोटॉक्सिन जो होता है, न्यूरो जो टॉक्सिन होता है वो रिलीज करता है केमिकल्स, दी केमिकल सब्सटेंस सब्सटेंस होते हैं जो कि उसके नर्वस सिस्टम के लिए पॉइजनस होते हैं।
फाइन। स्टडी आईएएस पे भी हो जाएगा कल से, एंड वे टू लबासना पे ऑलरेडी आज कर दिया गया था, ठीक है। एंड कल से आपको, आज वैसे मैंने बहुत लेट किया था, कल से आपको अप्रॉक्स 11 और 12 AM के अराउंड आपको टॉपिक्स जो है वो भेज दिए जाएंगे। ओके, हाय राजेश जी, हाय गुड्डू साहा, आई एम गुड, आई एम गुड, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन वर्क बाय डिसरप्टिंग केमिकल सिग्नल सेंट बिटवीन न्यूरॉन्स और पैरालाइजिंग द होल सिस्टम, क्योंकि ये जो टॉक्सिन रिलीज करती है इसकी वजह से न्यूरॉन सिस्टम खराब हो जाता है और पूरा होल जो सिस्टम है बॉडी का वो पैरालाइज हो जाता है। किंग कोबरा की तरीके से होते हैं, मरीन स्नेक्स जो होते हैं उनकी तरीके से सेम फीचर्स इसके हैं। मेनली आपको कहाँ मिलेगी? इंडो वेस्ट पैसिफिक जो रीजन है आपको तकरीबन वहां देखने को ये मिलेगी, राइट। नेक्स्ट बताइए, विद कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज अ ट्रू वन, अब इससे रिलेटेड बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज अ लीडिंग ट्रॉपिकल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, हेडक्वार्टर इन कोची केरला के अंदर। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1947 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। वन टू बोथ नन, बताइए। जस्ट डू लाइक शेयर योर क्लास ऑल्सो गाइस, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू हैं चैनल पे। तो सेकेंड थिंग, अगर आप कंटिन्यू करेंगे इस इनिशिएटिव को देन आई विल डू ऑल्सो। अगर ये हुआ कि आपकी साइड से कहीं प्रॉब्लम दिखाई दी सो मे बी इट कैन मीन्स लाइक डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर रहेगा। अगर आप लोगों का लगेगा दैट यू कैन यू आर रेगुलर अबाउट इट सो दैट डेफिनेटली ए बी और सी फाइन, तो मीन्स डाउट है। चलिए, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, जो CEMFRI है, CEMFRI है ट्रॉपिकल मरीन फिशरीज है, यानी कि जो इक्वेटर से ऊपर और नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे मरीन फिशरीज जो वहां पर पाई जाती हैं, सिर्फ उस एरिया के अंदर जो है इसका काम होता है, इसका जो फंक्शन एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है और इसके केरला में हेडक्वार्टर है। 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टैब्लिश जरूर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के दौरान, बट बाद में इसने किसको ज्वाइन कर लिया, एक फंड है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फैमिली को, 1967 में इसको उसने ज्वाइन कर लिया था। ओके, अदरवाइज बाकी ठीक है स्टेटमेंट। ये देखो केरला वाला जो रीजन है, इसका ट्रॉपिकल का जो रीजन है इस एरिया के अंदर ये काम करता है। ओके चल, इसका ऑब्जेक्टिव है मरीन फिशरी रिसोर्स असेसमेंट करना, प्रोडक्टिविटी एंड थ्रू मैरीकल्चर कंजर्वेशन ऑफ मरीन डाइवर्सिटी एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिसर्चर्स ऑब्जर्व दैट ऑनगोइंग सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। रिसर्चर्स ने पाया कि जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन हो रहा है वो बहुत ही बुरी तरीके से एनवायरमेंट को थ्रेट पहुंचाता है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन, राइट। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? सिक्स मास एक्सटेंशन क्या होता है? डिड यू कवर्ड अबाउट दैट? टू आंसर बताइए। व्हेन द अर्थ लॉस मोर देन 3/4 ऑफ इट्स स्पीसीज इन जियोलॉजिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सिक्स मास एक्सटेंशन, क्या आप उसे कहेंगे कि जब अर्थ बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर दो तिहाई से भी ज्यादा, 3/4 यानी कि 3/4 से भी ज्यादा जो है अगर स्पीसीज को मर जाती है उस टाइम के अंदर, तो क्या आप उसे सिक्स मास एक्सटिंक्शन कहेंगे? करंटली सिर्फ 2% ही जो स्पीसीज हैं वो जीवित हैं टोटल में से, लेकिन अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो पहले से बहुत ज्यादा है। करेक्ट कोड 1 2 बोथ नन। हाय केशव, क्या नो, क्या कह रहे हैं आप? सी इज द राइट आंसर। ओके, सी, ध्यान से पढ़िएगा। सिक्स मास एक्सटिंक्शन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है वो आपको पढ़ना है ध्यान से।
और 2% ही स्पीसीज अलाइव है या नंबरिंग ज्यादा है कुछ? फाइन, सी इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली मास एक्सटिंक्शन का मतलब ही होता है कि, बता रही हूँ अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सिक्स मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो मर जाना, स्पीसीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन में गिरावट आ जाना, वो होता है आपका मास एक्सटिंक्शन. ठीक है, और इस बार जो हो रहा है, रिसर्चर्स ने पाया कि इस बार सिक्स मास एक्सटिंक्शन हो रहा है. अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का क्या क्राइटेरिया है भाई, आप कितने को कहोगे, साल, 2 साल, कई मिलियन साल, किसको कहोगे आपको, वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना. तो मिलियंस ईयर के हिसाब से जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को बोला जाता है. फाइन, करीबन जो फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ था वो 66 मिलियन साल पहले हुआ था. तो अभी आप देखो कि इनके बीच का जो टाइम है, करीबन 30-20 के आसपास के टाइम के बाद ही सिक्स जो है वो आया है, और पाया है कि अभी बहुत सारी स्पीसीज जो है वो मर रही है. सिंस लाइफ फर्स्ट इवॉल्व ऑन द प्लैनेट, अ शॉर्ट जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज लेस देन 2.8 मिलियन ईयर्स एगो. चलिए, ईपीआई के बारे में बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई? इट इज अ बाइनियल इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलाबरेशन विद द यूनेस्को. इंडिया सिक्योर्ड 168th रैंक इन द 12th एडिशन ऑफ द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस एक्ट 2020. करेक्ट कोड बताइए. 1, 2, बोथ, नन. हिंदी में अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम हेयर. हिंदी में पढ़ने की जरूरत है क्या गाइस, या आप खुद पढ़ लेंगे? ए. ओके, और बताइए. आप में से अगर कोई टेलीग्राम पे नहीं है सो प्लीज ज्वाइन, क्योंकि आज से आपको टॉपिक्स पहले दे दिए जाएंगे. क्या बात है शिवानी, बहुत ही अच्छी. यही तो चीज आपने पकड़नी है, यही तो चीज पकड़नी है कि एक्चुअली में रॉन्ग क्या चीज है. फाइन, यही चीज पे ध्यान देना है, तभी बेनिफिट होगा कि आपको पहले पढ़ने का. बहुत अच्छे. दैट वाज नॉट यूनेस्को, दैट इज WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. येल प्लस कोलंबिया, इन दोनों की, तीनों ने मिलके इसको निकाला था. ठीक है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को यही फायदा पहुंचाएगा आपको. दैट्स व्हाई इस इनिशिएटिव को हमने भी स्टार्ट कर दिया. इंडिया ने सिक्योर किया है रैंक 160, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. 12th एडिशन था फिलहाल 2020 के अंदर, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है. इट ऑफर अ स्कोर कार्ड दैट हाईलाइट लीडर और लैगर्ड इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. इसमें ये दिखाया गया कि हमारे कंट्री की एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दी गई. सबसे पहले 2002 के अंदर ये पब्लिश करा गया था, और इस साल जो है 12th एडिशन था ये, कि 2020 के अंदर पब्लिश करा गया. डिजाइन टू सप्लीमेंट द एनवायरमेंटल टारगेट दैट सेट फोर्थ इन द यूनाइटेड नेशन MDG. इसके गोल्स पे चलते हुए, इसके पाथ पे, इसके रास्ते पे चलते हुए हमने इस इंडेक्स को निकाला है. इंडिया का रैंक 168 रहा है. साउथ एशियन की जो कंट्रीज है उनमें सबसे बुरा है, सबसे बुरा नहीं तो मीन्स काफी अच्छा भी नहीं है. इंडिया का रैंक 177 था 2018 के अंदर. ग्रो अप हुआ है बट बहुत ज्यादा नहीं हुआ. फाइन, चलिए सेम क्वेश्चन आपसे इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और वो क्वेश्चन है ये कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है ईपीआई इंडेक्स के अंदर. ठीक है, ईपीआई इंडेक्स के अंदर गाइज, आप लोगों ने करंट अफेयर किया होगा लास्ट कम से कम 5-6 महीने पिछले का, तो आपने किया ही होगा, येस और नॉट? अगर किया है देन यू विल नो अबाउट दैट, कि आप कहाँ से करें, आपके नोट्स बने होंगे, गूगल बैठा है, अदरवाइज गूगल है. जो टॉपिक्स हम भेज देंगे, जो मैं आपको सेंड कर दिया करूंगी, वही टॉपिक पढ़ के आइए. फाइन, कि क्या इंडिया का स्कोर रैंक नहीं है, ये स्कोर है, ध्यान से, पॉइंट्स के अंदर स्कोरिंग है. आउट ऑफ 100, 20.7.6 स्कोर किया है इंडिया ने 2020 के ईपीआई इंडेक्स के अंदर, और इसकी परफॉर्मेंस बुरी रही है साउथ एशियन कंट्री से एक्सेप्ट अफगानिस्तान. फाइन,
क्या ये 10 ईयर का कंपैरिजन प्रोग्रेस रिपोर्ट है इंडेक्स के अंदर, जिसमें इंडिया को दिखाया गया है कि इंडिया स्लिप हुआ है ऑन क्लाइमेट रिलेटेड पैरामीटर्स, राइट? करेक्ट कोड बताइए, 1 2 बोथ, दैट इज अ शंकर आईएएस बुक, बुक शंकर आईएएस है, बट ज्यादा आपको पढ़ना है आपके आपके करंट अफेयर से, ठीक है? ज्यादा आपको ध्यान देना है करंट अफेयर के पोर्शन पे। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। आपने आपने टाइप भी देखा कि किस तरीके से टाइप है, एक बार नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया ईपीआई का, एंड देन उसके रैंकिंग के से हिसाब से भी पूछ लिया गया। सी ओके, ध्यान देना कि 10 ईयर का प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है या कम का होता है या ज्यादा का होता है, और दूसरा एक्सेप्ट अफगानिस्तान की जगह कहीं पाकिस्तान तो ना हो या कोई कोई और कंट्री तो ना हो, तो उस चीज पर थोड़ा फोकस करना। सी यस, सी इज द राइट आंसर। इंडिया का स्कोर 27.6 ही आया है। ये सारे बेस होते हैं, जैसे एयर क्वालिटी कितनी है इंडिया की, एंड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, वाटर सैनिटेशन, इकोसिस्टम, तो ये सब पैरामीटर्स हैं, ठीक है? इंडिया क्लाइमेट चेंज के पैरामीटर के अंदर थोड़ा सा खिसका है कंपैरिजनली, पिछले 10 साल का अगर आप पूरा एवरेज देखो तो उसमें क्लाइमेट का जो पैरामीटर है उसमें थोड़ा सा इंडिया जो है वो खिसका है, राइट? हाँ जी, इंडिया का स्कोर सभी साउथ एशियन कंट्री में सबसे बिलो, सबसे नीचे रहा है, सैनिटेशन, एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हैवी मेटल, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के अंदर। इंडिया वॉज एट द सेकेंड पोजिशन आफ्टर द पाकिस्तान ऑन क्लाइमेट चेंज अमंग द साउथ एशिया कंट्रीज। पाकिस्तान का स्कोर 50.6 आया है, अपना 27.5 आया है, तो ये आप पढ़ लेना बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने हाईलाइट करा है कि सुंदरबन के 28% जो सुंदरबन है वो डैमेज हुए हैं ड्यू टू साइक्लोन अम्फान। तो स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने अच्छे से। इंडियन सुंदरबन एन एरिया साउथ ऑफ द डैम्पियर होज लाइन इज स्प्रेड ओवर 9630 square kilometers। दूसरा, मैंग्रोव नॉट ओनली रिड्यूस विंड स्पीड बट ब्रेक द वेव्स ड्यूरिंग ए स्टॉर्म सर्ज कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। ट्रीज टर्न येलो एंड रेड आफ्टर द साइक्लोन मोस्टली ड्यू टू लो सैलिनिटी। करेक्ट कोड बताइए, 1 only, 2 and 3, 1 and 2 या ऑल आर ट्रू। बताइए क्या सही है, जो इंडियन के जो सुंदरबन एरिया है कि क्या वो डैम्पियर होज लाइन के इतने किलोमीटर एरिया के दौरान फैले हुए हैं, उसके साउथ में है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि एरिया और वो सब चीजें इतनी ज्यादा आपके लिए जरूरत नहीं होती, ओके? आंसर गाइज, आंसर आंसर आंसर, ओके, सी कह रहे हो आप लोग, फाइन, यस, सी इज द राइट आंसर, बिकॉज इंडिया के जो सुंदरबन है वो डैम्पियर होज लाइन, डैम्पियर होज लाइन वैसे कोई लाइन नहीं है, जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, उसको एक एरिया को लोकेट कर दिया गया है सुंदरबन की और बे ऑफ बंगाल के बीच के अंदर, उन दोनों के बीच में, कि ये लाइन जो है इसे इस साइड वाला एरिया जो है वो सुंदरबन का आ गया है, तो बस वो एक इमेजिनरी लाइन है, राइट? तो उन्होंने बोला कि मैंग्रोव का फॉरेस्ट जो अकाउंट है वो काफी कम हुआ है वहां से, क्योंकि अम्फान साइक्लोन की वजह से काफी सारे पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं, इसीलिए वहां के सीएम ने बोला कि यहाँ पे और ज्यादा मैंग्रोव पेड़ जो है वो लगाए जाएं।
मैंग्रोव ना ही तो सिर्फ विंड की स्पीड को रोकते हैं, बल्कि जो वेव बंगाल में या कहीं वेव वाटर के अंदर उठती रहती हैं ड्यू टू हैविंग अ साइक्लोन, तो उसको रोकती है लैंड पर आने से। और यहाँ पे लिखा है ड्यू टू लो सैलिनिटी, यानी कि अगर उसके अंदर सैलिनिटी कम हो जाए तो पेड़ जीते हैं, मरते नहीं है। पेड़ मरेंगे कब? जब या तो वो रेड कलर का हो जाए या वो येलो कलर का हो जाए, तब क्या मानते हैं हम कि पेड़ मर गया है। फाइन, और अगर लो सैलिनिटी है तो पेड़ को अच्छा है, वो ग्रो करता है, ठीक है। और अगर हाई सैलिनिटी है देन देन की पेड़ जो है वो येलो और रेड कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना है, हाई सैलिनिटी होने की वजह से पेड़ येलो रेड हो जाते हैं। ये तभी ठीक हो पाएंगे जब सॉइल के अंदर से सैलिनिटी कम आए। इज दैट क्लियर गाइस? क्लियर है क्या? चलिए, माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट बताइए। सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक होते हैं क्या ये? सॉलिड वाटर इनसॉल्यूबल प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिसकी रेंज होती है 1 माइक्रोमीटर से कम। फाइन, क्योंकि इसका साइज इतना कम है तो क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एयरबोर्न पॉल्यूटेंट। करेक्ट कोड बताइए, 1 ओनली, 1 एंड 2, 3 ओनली या फिर 1, 2, 3? सी, ओके, सी 3 ओनली। फाइन, एवरीवन आंसर प्लीज। यस, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। इनसॉल्यूबल तो डेफिनेटली प्लास्टिक है, वो कैसे मिक्स हो जाएगी, है ना, कैसे मिक्स हो जाएगी? एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। फाइन, दूसरा 1 माइक्रोमीटर नहीं है, वो 5 है उसकी रेंज, उससे कम होगा देन यू कैन से दीज आर द माइक्रो प्लास्टिक, और अगर 1 से कम है तो वो माइक्रो बीड्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, सी इज द राइट आंसर। दोनों को बेसिकली रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, जो फेयर प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी यूज करते हैं, और पॉल्यूटेड जो है ये ओशियंस को करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाली जो मरीन स्पीसीज होती है उनको खतरा खतरा जो है वो पहुंचता है, क्योंकि वो उन्हें इनहेल कर जाती है। और दूसरा, प्लास्टिक पानी में होने से एक टॉक्सिन भी रिलीज करता है, तो वो भी खतरे वाली बात है। हायर रिस्क टू एनवायरमेंट, ये देखो ये इस तरीके से होता है ओशियंस के अंदर, अगर इसको कोई भी फिश खा ले तो वो मर जाएगी। दूसरा, जो ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे उसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो दैट्स द मेजर कॉज। एयरबोर्न पॉल्यूटेंट भी होते हैं, आसपास का एयर जो हवा होगी वो भी सांस लेने के लिए काबिल नहीं होगी, मीन्स काफी खतरा हो जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर यूज किया जाता है, दीज आर नोन एज माइक्रोबीड्स, स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो मीन्स लाइक ये इस चीज के लिए यूज होते हैं। चलिए गाइस, सो टाइम हो गया, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, पोलियो वॉज द फर्स्ट डिजीज टू इराडिकेटेड थ्रू अ वैक्सीन। इन रिसेंट टाइम वैक्सीन हेजिटेंसी इज इंक्रीजिंगली साइटेड एज अ कोज बिहाइंड मीजल्स आउटब्रेक, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। क्या पोलियो पहली ऐसी वैक्सीन है जिस पोलियो एक टीके के माध्यम से उन्मूलन के लिए पहली बीमारी थी? हाल ही के दिनों में वैक्सीन हिचकिचाहट तेजी से खसरा फैलाने के पीछे कारण के रूप में उद्धृत किया गया है, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में। बताइए, 1, 2, बोथ, नन, प्लीज आंसर इट। ओके, सो यही चीज है जो आपको, बेशक आपने जो बोला वो सही है वो गलत है, डज नॉट मैटर, बट आपने आंसर किया,
एंड यू हैव नॉलेज अबाउट द थिंग्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाय सचिन, गाइस प्लीज बी ऑन टाइम 5 PM. सी वन, ओके, अनदर, चलिए, राइट आंसर इज बी, क्योंकि जो ऋतुराज ने कहा, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी जिसको सबसे पहले जो है डेवलप किया गया, ड्रग बनाया गया, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडवर्ड जेनर इन 1796, तो वो चीज थी ना कि पोलियो थी पहली, तो वो इस वजह से गलत हो जाएगी. हाँ, वैक्सीन की हेजिटेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है बिहाइंड द मीजल्स आउटब्रेक, इट्स अ डिले इन एक्सेप्टेंस. हेजिटेंसी का मतलब है कि लोग इसको इसकी वैक्सीन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है. जैसे अभी कोविड के केस में सब लोगों को डर लग रहा है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हेजिटेंसी है. सिमिलरली इसके लिए भी थी. ठीक है, मैं वही कह रही हूँ, है ना, वही कह रही हूँ. हाँ जी, फाइन. तो इस टॉपिक, इस क्वेश्चन को हम कल कर लेंगे. एंड चलिए गाइज, सो आई होप कि आप लोगों को आज का इनिशिएटिव जो लिया गया है वो समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा. जो बाद में स्टूडेंट आए उनको मैं बता दूं, गाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए. ये क्लास 5 PM लाइव होती है, लेकिन मैं आपको 12 बजे के आसपास टॉपिक्स भेज दिया करूंगी डेली, ताकि आप उन टॉपिक को प्रिपेयर कर सको, प्रिपेयर करिए उन टॉपिक्स को, एंड देन हम उसमें से क्वेश्चंस करेंगे. ओके, आपका इसे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, आपकी प्रिपरेशन में ग्रोथ आएगी. ठीक है, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वे टू लबासना एंड स्टडी आईएएस, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए अभी. स्टडी आईएएस का लिंक आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड जरूर से जरूर उस क्वेश्चंस को पढ़ के आइए, एंड देन देखिए कि आपके कितने अच्छे सोल्व होते हैं. राइट, तो करिए, जरूर से करिए, एंड लाइक जरूर करिए क्लास को, शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को. आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स अ स्टडी आईएएस. ओके, सो ज्वाइन कीजिए ऑन द स्टडी आईएएस. थैंक यू सो मच फॉर द क्लासेस, हैव ए नाइस डे अहेड. जल्दी से हम हैं. हाँ, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू. नहीं करेंगे, ज्योग्राफी कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि सैटरडे संडे को एक वीकेंड का वार होगा, जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अनअकैडमी पर, तो वो एक लाइक क्विज की तरीके से होगी. फाइन, ज्योग्राफी की क्लास कल या परसों से जैसे होती है, आई विल लेट यू नो. क्यों इतना परेशान हो रहे हो आप लोग? कल एक एक्स्ट्रा क्लास है, कल एक्स्ट्रा क्लास है, कल और परसों, सैटरडे और संडे को वीकेंड का वार, जिसके अंदर आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे मिक्सअप हर सब्जेक्ट के ऑन अन अकेडमी. फाइन, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लासेस, हैव ए नाइस डे. आई होप यू विल ज्वाइन द सेशंस.